हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल फूडोलॉजिस्ट सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम देखेंगे कॉफ़ी चेरी ये फिगर शो कर रहा है कॉफ़ी चेरी को सो इसकी जो सबसे आउटर लेयर है वो स्किन है देन फर्दर फ्रूट और वी कैन से चेरी देन म्यूसिलेज लेयर इज देयर देन पार्चमेंट लेयर एंड देन सिल्वर स्किन एंड देन एट लास्ट बीन इज़ देअ विच इज़ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ओके मूव ऑन हाउ कॉफ़ी इज मेड कॉफ तो सबसे पहले जो कॉफ़ी चेरी होती है जो रेड और पर्पल कलर की होती है मैच्योर चैरी उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें ग्रीन कॉफ़ी बीस ऑप्टेन होते हैं देन फर्दर ग्रीन कॉफ़ी बीन्स की रोस्टिंग हम करते हैं तो हमें ब्राउन कॉफ़ी बीस ऑप्टेन होते हैं देन आफ्टर दैट उनकी ब्र्यूइंग करने के बाद ब्राउन कॉफ़ी बीन्स को ब्रीइंग करने के बाद ब्रीइंग मीन्स जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनको हॉट वाटर के साथ पोर कर करके रखते हैं एंड देन उसको ब्रीइंग के लिए अलाउड करते हैं तो एट लास्ट हमें कप ऑफ कॉफ़ी ऑप्टेन होता है सो इन दिस वे कॉफ़ी इज मेड मूव ऑन सबसे पहले हम देखेंगे हार्वेस्टिंग चेरीज की हमें कब करनी है सो हार्वेस्टिंग ऑफ द चेरीज

और जो ये फ्रूट और होते हैं जो कॉफ़ी चेरीज होती है वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी तब होती है जब ये अच्छे से मैच्योर हो इसका कलर जो है वो डीप रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती है थर्ड पॉइंट वॉस वेदर द फ्रूट पिक बाड और बाय मशीन ये जो चेरीज होती है या फिर तो हमें इन्हें मैनुअली या फिर मैकेनिकली दोनों तरह से हम इन्हें पिक्ड कर सकते हैं सो so, ये सो दिस पिक्चर इंडिकेट्स दैट हाउ These cherries are to be picked manually. Next was this figure basically indicates that how the coffee processing can takes place. sabse pehle planting, then uske baad mein growing hoti hai then growing ke baad harvesting हम करते हैं, तब करते हैं जब अच्छे से वो cherries mature हो जाए, then after that roasting is takes place, then grinding and then brewing. उसको हॉट वाटर्स के साथ मीन्स को पोर करके रखते हैं ब्रूइंग में देन वी गेट अर कप ऑफ कॉफ़ी सो इन दिस वे कॉफ़ी इज ऑप्टेन मूविंग ऑन प्रोसेसिंग द चेरीज हाउ द प्रोसेसिंग कैन टेक्स प्लेस सो आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ चेरीज मस्ट बिगिन वेरी क्विकली अदरवाइज इट्स लीड्स टू स्पॉयलेज हार्वेस्टिंग के बाद हमें इसकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी करनी होती है अदरवाइज कंटेमिनेशन हो सकता है स्पॉयलेज हो सकता है बीन्स में सो so, जो कॉफ़ी है वो बेसिकली टू वेज से प्रोसेस होती है फर्स्ट है वेट प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज़ ड्राई प्रोसेस सो हम डिटेल में देखते हैं वेट और ड्राई प्रोसेस को मूव ऑन ये जो ये इंडिकेट कर रहा है प्रोसेस फ्लो चार्ट कैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद रिसेप्शन करते हैं कलेक्ट करते हैं चेरीज को देन उन चेरीज को कैसे हम ड्राई प्रोसेसिंग के थ्रू ट्रीट करते हैं एंड फर्दर कैसे हम वेट प्रोसेसिंग के थ्रू ट्रीट करते हैं तो इस फ्लो चार्ट में ये इंडिकेट किया है वेट प्रोसेसिंग में सेपरेशन करते हैं सबसे पहले देन पल्पिंग एंड देन जो म्यूसीज लेयर है उससे रिमूवल करते हैं और ड्राई प्रोसेसिंग में डायरेक्ट सेपरेशन फर्दर वी कैन सी दैट वॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राई एंड वेट प्रोसेसिंग सो ड्राई प्रोसेसिंग में क्या होता है डायरेक्टली जो होल चेरी है उससे हम ड्राइंग के लिए अंडर द सन डायरेक्टली ड्राइंग के लिए रख देते हैं बट वेट प्रोसेसिंग में सबसे पहले सॉर्टिंग करते हैं एंड देन जो पल्प और जो म्यूसिलेज लेयर होती है उसको रिमूवल करते हैं एंड देन फॉर्मेंटेशन भी इसमें होता है सो so, इसमें वाटर का यूज़ होता है बेसिकली वेट प्रोसेसिंग में सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स मूव ऑन इसमें हम देखेंगे डिटेल में व्हाट इज़ वेट प्रोसेसिंग एंड हाउ इट इज़ टू बी कैरी सो सबसे पहले सॉर्टिंग सॉर्टिंग बेसिकली हम करते हैं जो डिफेक्टिव वेरीज होती है उसे सेपरेट करने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट द मैथड इज ऑल्सो कॉल्ड वॉश्ड वाटर अंडर प्रेशर बिकॉज वाटर इज द प्राइमरी मीन्स टू बोथ मूविंग द कॉफी थ्रू द प्रोसेस एंड टू मेक द एक्सटेक्शन ऑफ द सीट पॉसिबल सो इस वेट प्रोसेस को हम वॉश्ड अंडर वॉस्ड वाटर अंडर प्रेशर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वाटर है वो प्राइमरी मीन्स है प्राइम वाटर जो मेजरली इसमें यूज हो रहा है सीड्स को चेरी से सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट वॉज इन दिस प्रोसेस द फ्रूट्स या चेरीज कवरिंग बीन्स आर रिमूव बिफोर ड्राइंग इस प्रोसेस में हम जो चेरी होती है उसे ड्राइंग से पहले रिमूव करते हैं नेक्स्ट इन दिस सब्सटेंशियल क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एज द कॉफ़ी चेरीज आर सॉर्टेड बाई इमोशन इज वाटर इस वेट प्रोसेसिंग में एडिकुएट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है कॉफ़ी चेरीज की सॉर्टिंग के लिए उन्हें हम वाटर के अंदर इमर्स करके रखते हैं तो इस वजह से वो सॉर्टिंग होती है फर्दर हम देखते हैं मूव ऑन एज द ग्रीन कॉफ़ी बीन्स एंड राइट चेरीज आर मिक्सड सो आफ्टर इमर्शन बैड और अनड्राई फ्रूट विल फ्लोट एंड गुड गुड्राई फ्रूट विल सिंक सो जो चेरीज होती है उसे हम वाटर uh, के अंदर इमर्स करके रखते हैं तो इस वजह से जो बैड और अनड्राई फ्रूट होता है वो तो फ्लोट होने लगता है एंड जो गुड ड्राई फ्रूट होता है वो सिंक होने लगता है तो इस वजह से इसकी सॉटिंग और सेपरेशन हो जाता है चेरीज़ का नेक्स्ट पॉइंट वॉज द स्किन ऑफ द चेरी एंड सम ऑफ़ द पल्प इज रिमूव बाय प्रेसिंग द फ्रूट बाय मशीन इन वाटर थ्रू स्क्रीन जो स्किन ऑफ चेरी और जो पल्प होता है वो रिमूव हम करते हैं फॉर द फ्रूट जो होता है हमारी जो चेरी है उसको मशीन के थ्रू प्रेस करके हम इसे स्किन को और uh, कुछ जो पल्प होता है उसे रिमूव करते हैं नाउ द बीन्स इंस्टीट कैरी सम अमाउंट ऑफ पल्प स्टिक टू इट एंड नीट टू रिमूव इट इसके बाद भी इस पर कुछ अमाउंट का जो पल्प स्टिक होता है उसे भी हमें फर्दर रिमूव करना ज़रूरी है सो द राइप चेरीज कैन बी सेंड टू द पल्पिंग मशीन सो इस परपज़ से हमें इसे पल्पिंग मशीन से ट्रीट करना होता है सो नेक्स्ट इज़ अबाउट पल्पिंग पल्पिंग बेसिकली हम करते हैं जो पल्प होता है बीन्स पल्प को बीन्स से रिमूव करने के लिए सो फर्स्ट पॉइंट वॉज दिस प्रोसेस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ड्राई एंड वेट मैथड्स ये जो प्रोसेस है पल्पिंग का ये ही मेन डिफरेंस है ड्राई और वेट मैथड्स में वेट मैथड्स में तो पल्पिंग हम करते हैं बट ड्राई मैथड्स में डायरेक्टली अंडर द सन उसे ड्राई करते हैं उसमें कोई पल्पिंग नहीं करते हैं सो दिस इज कॉल्ड पल्पिंग नेक्स्ट इन द पल्पिंग मशीन द प्रेशर इज अलाउड टू पुश द कॉफी बीन्स सो दैट्स वायद ओनली लार्ज कॉफी बीन्स आर टू बी पास थ्रू द होल्स ऑफ द स्क्रीन पल्पिंग मशीन में बेसिकली प्रेशर अलाउड करते हैं हम तो इस वजह से जो लार्ज कॉफ़ी बीन्स होते हैं वो तो उससे स्क्रीन के होल्स से पास हो जाते हैं और इस तरह से हमें कॉफ़ी बीन्स ऑप्टेन होते हैं सिंस द राइप चेरीज आर सॉफ्ट सॉफ्ट द ब्रेक एंड द सीड इज रिलीज थ्रू द स्क्रीन सो so, जो राइप चेरीज़ होती है जो मैच्योर चेरीज़ होती है वो सॉफ्ट होने की वजह से ब्रेक हो जाती है जब हम उसे पल्पिंग मशीन से ट्रीट करते हैं तो और जो सीड होते हैं वो स्क्रीन के स्क्रीन में जो होल होते हैं उसके थ्रू पास आउट हो जाते हैं नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि कैसे मशीन के थ्रू पल्पिंग मशीन के थ्रू जो कॉफ़ी बीन्स है उससे पल्प रिमूव होता है सबसे पहले हॉपर लाइक -like स्ट्रक्चर होता है सबसे टॉप में उसमें हम चेरीज डालते हैं देन उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं एंड देन ब्रीस्ड प्लेट इधर है इंडिकेट हो रही है उसके थ्रू ये जो चेरीज़ है ये पास ऑन होते हैं और रोटेरे ड्रम के थ्रू जो ड्रम कंटिन्यूस रोटेट हो रहा है उसके थ्रू जो भी चेरीज है सॉफ्ट चेरीज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो बीन्स है वो फर्दर सेपरेटिंग प्लेट के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं और जो सॉफ्ट चेरीज़ हैं वो ब्रेक डाउन हो के वो अलग सेपरेट हो जाते हैं तो इस तरह से पल्पिंग हो जाती है कॉफ़ी कॉफ़ी चेरीज़ की पल्पिंग हो जाती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्पिंग फर्दर दिस पिक्चर ऑल्सो इंडिकेट्स दिस हाउ द पल्पिंग कैन टेक्स प्लेस कैसे हम राइप चेरीज की पल्पिंग करते हैं मूव ऑन सेकेंड वॉज फॉर्मेंटेशन फर्मेंटेशन हम करते हैं ओनली जो म्यूसीलास लेयर होती है उसे रिमूव करने के लिए द फॉर्मेंटिंग टैंक्स आर बेसिकली यूज टू रिमूव म्यूसीलाज नेक्स्ट द पल्प बीन्स आर पुट इन टू सीमेंटेड टैंक्स एंड आर अलाउ टू फॉर्मेंट फॉर सिक्सटीन टू थर्टी सिक्स आवर्स इसमें हम जो पल्प बीन्स है उसे हम सीमेंटेड टैंक्स में हम उसे पुट uh, कर देते हैं और उसे अलाउ कर देते हैं फर्मेंटेशन के लिए सिक्सटीन टू थर्टी सिक्स आवर्स तक एंड इसमें क्या होता है सेल्यूलोस का ब्रेक होता है और जो बीन्स है Uh, वो माइक्रोब्स के थ्रू फर्मेंट हो जाते हैं आफ्टर द फर्मेंटेशन हम उसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से बीन्स को वॉश आउट कर लेते हैं सो इन दिस वे फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट मूव ऑन थर्ड वन इज़ ड्राइंग सो आफ्टर फर्मेंटेशन द बीन्स आर मूव टू ड्राइंग यार्ड एंड ड्राइड अप टू ट्वेल्व परसेंट मॉइस्चर कंटेंट हमें इसका मॉइस्चर कंटेंट इलेवन टू ट्वेल्व परसेंट तक लाना होता है इसलिए हम इसे सन uh, ड्राइंग के अंदर ड्राई करते हैं बीन्स को Under sun drying, the coffee beans are spread out in rows where it needs to be raked every six hours to promote even drying and to prevent contamination. Under the sun drying, coff uh, coffees को हम uh, spread out कर देते हैं rows में तो वहाँ इसे हमें compulsory होता है कि हर छः घंटे बाद हम इसे turned off करते रहें ताकि जो drying है वो भी evenly हो सके uniformly सारे beans dry हो सके और जो कंटेमिनेशन है उसके चांसेस भी कम रहे तो इस तरह से ड्राइंग प्रोसेस कैरीड आउट होता है एंड पिक्चर आल्सो इंडिकेट्स हाउ अ पर्सन कैन टर्न ऑफ द बीन्स एंड हाउ द बीन्स आर टू बी अरेंज इन रोज सो मूव ऑन फोर्थ वन वाज़ मिलिंग अ मशीन कॉल्ड हलर इज़ यूज टू क्रश ऑफ द पास्टमेंट लेयर बिफोर द बीन्स आर शेप्ड सो so, मिलिंग हम करते हैं जो पाचमेंट स्किन होती है जो पाचमेंट लेयर होती है अबव द बीन्स उसे रिमूव करने के लिए और हलर मशीन हलिंग मशीन के थ्रू ये कैरीड आउट होती है सो so, ये पिक्चर इंडिकेट हो रही है कि कैसे हलंग uh, हलिंग मशीन्स होती है एंड इसमें सबसे ऊपर जो है वो हॉपर होता है उसमें हम uh, जो स्मॉल पोर्शन है उसका बीन्स का वो डाल देते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग के बाद जो पाचमेंट लेयर है वो रिमूव हो जाती है

सो फॉर गेटिंग फ्रेश रोस्टेड फ्लेवर एज लॉन्ग एज पॉसिबल स्टोर दिन एन ओपेक एयर टाइट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर सो अगर हमें फ़्रेश रोस्टेड फ्लेवर हमें ऑप्टेन करना है हमें चाहिए फ्रेश रोस्टेड फ्लेवर सो हमें इस वजह से उसे स्टोर करना होता है ओपेक एयर टाइट कंटेनर्स में ओपेक मीन्स जिससे लाइट पास नहीं हो सके एंड एयर टाइट कंटेनर्स जिसमें एयर के चांसेस ना हो ताकि उसका फ्लेवर और अरोमा कलर ये सब मेंटेन रह सके इसलिए हमें उसे ओपेक और एयर टाइट कंटेनर में बीन्स को स्टोर करके रखना है दिस पिक्चर इंडिकेट्स दैट हाउ द बीन्स आर टू बी स्टोर्ड इन ओपेक एंड एयर टाइट कंटेनर्स सो मूव ऑन व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ वेट प्रोसेस सो वेट प्रोसेस से जो हमें कॉफ़ी ऑप्टेन होती है वो बेसिकली क्लीन क्लीनर होती है उसमें कोई डस्ट डर्ट स्टॉज वगैरह नहीं होते हैं ब्राइटर होती है एंड मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ विद कॉफ़ी वैल्यूड फॉर इस एसिडिटी विल प्रोसेस देयर कॉफ़ी यूजिंग वेट प्रोसेस एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो प्रेफर करती है वेट प्रोसेसिंग से कॉफी को प्रोसेस करना फर्दर वी डिस्कस अबाउट ड्राई प्रोसेस सो फर्स्टली ऑल्सो नोन एज़ अनवॉश्ड और नेचुरल प्रोसेस जैसे हमने वेट प्रोसेस को बोला था वॉस्ड वाटर अंडर प्रेशर प्रोसेस वैसे ड्राई प्रोसेस को बोलते हैं अनवॉश्ड और नेचुरल प्रोसेस इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग कॉफ़ी ओल्डेस्ट मेथड है कॉफ़ी की प्रोसेसिंग का आफ्टर द हार्वेस्ट इसमें क्या करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद फर्स्टली हम चेरीज को क्लीन करते हैं देन आफ्टर क्लीनिंग उसे हम ड्राइड कर देते हैं अंडर द सन सो क्लीनिंग कैसे होती है जो so चेरीज होती है उसे हम यूजुअली क्लीन करते हैं एंड सॉर्टेड करते हैं विनोइंग की हेल्प से विनोइंग बास्केट्स आर देयर उनकी हेल्प से हम उसकी क्लीनिंग करते हैं एंड उसमें क्या होता है जो अनराइप और जो डैमेज चेरीज होती है वो सेपरेट हो जाती है और जो डस्ट डर्ट ट्विंग्स लीव्स कुछ भी उस पर अटैच होता है तो वो रिमूव हो जाता है सो इन दिस वे क्लीनिंग इज़ टू बी डन नाउ फर्दर ड्राइंग देखते हैं देन द चेरीज आर स्प्रेड आउट इन थिन लेयर्स ऑफ पैट्योज अंडर द सन टू ड्राई देन जो कॉफी चेरीज होती है उसे हम थिन लेयर्स में पेटियोस के अंदर पेटियोस मींस कोई हार्ड सरफेस हार्ड फ्लोर हम बोल सकते हैं तो फ्लोर के ऊपर उसे हम थिन लेयर्स में स्प्रेड आउट कर देते हैं रोज बना देते हैं उनकी अंडर द सन मूव ऑन एज द चेरीज ड्राई दे आर टर्न ऑफ इन ऑर्डर टू एंश्योर इवन ड्राइंग एंड प्रवेंट फ्रॉम एनी कंटामिनेशन सो चेरीज ड्राई हो रही है उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम उसे टर्न ऑफ़ करते रहें ताकि इवनली ड्राइड हो सके कॉफी चेरीज और किसी तरह का कंटेमिनेशन भी ना हो नेक्स्ट पॉइंट वाज इट विल टेक अबाउट टेन डेज टू फोर वीक्स फॉर ड्राइंग ड्राइंग करने के लिए कंप्लीट उसकी ड्राइंग के लिए टेन डेज से फोर वीक्स लग जाते हैं वंस ड्राई द स्किन पल्प एंड पाँचमेंट आर रिमूव फ्रॉम द बीन एक बार जब स्किन ड्राई हो जाती है स्किन हमने देखा था फिगर में सबसे आउटर लेयर होती है उसके ड्राइड होने के बाद जो फर्दर पल्प और पाँचमेंट लेयर है वो हम बीन्स से रिमूव करते हैं द ड्राइंग ऑपरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज सिंस इट affects द फाइनल क्वालिटी ऑफ कॉफी जो ड्राइंग ऑपरेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे फाइनल क्वालिटी जो कॉफ़ी की वो इफेक्ट करती है अगर ओवर ड्राइड हो गए बीन्स तो इस वजह से ब्रोकन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो ब्रिटल हो जाएंगे एंड अगर बीन्स जो है वो अच्छे से ड्राइड नहीं हुए उनमें मॉइस्चर है तो इस वजह से कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट बीन्स आर टू बी ड्राइड केयरफुली ओके नाउ स्टोरेज हम कैसे करते हैं इसका स्टोरेज बेसिकली कॉफी चेरीज़ का हम साइलोस में करते हैं ये पिक्चर इंडिकेट कर साइलोस साइलोज ऐसे बिग टैंक्स होते हैं उनके अंदर हम कॉफ़ी uh, चेरीज को स्टोर करते हैं टिल इट्स शॉर्टिंग ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग उसकी पैकेजिंग तक हमें इसे इस तरह से साइलोस टैंक्स में स्टोर करके रखना होता है इवन ऑल द आउटर लेयर्स ऑफ ड्राइट चेरीज आर रिमूवड इन वन स्टेप बाय द हलिंग मशीन सो जो आउटर लेयर्स होती है सारी वो ड्राइड चेरीज की एक ही स्टेप में हलिंग मशीन के थ्रू रिमूव हो जाती है द ड्राई मैथड इज़ यूज फॉर अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ द अरेबिका कॉफ़ी प्रोड्यूज इन ब्राज़ील ये जो ड्राई मैथड है ये अरेबिका कॉफ़ी की नाइन्टी परसेंट जो है अरेबिका कॉफ़ी ब्राज़ील के अंदर इस ड्राई मैथड से ड्राई होती है ऑप्टेन होती है मूव ऑन ये पिक्चर शो कर रही है कि कैसे ड्राई मेथड की हेल्प से कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है फर्स्टली बीन्स को सॉर्टेड करते हैं विनोइंग की हेल्प से देन क्लीन करते हैं देन ड्राइड अंडर द सन फॉर अबाउट टेन डेज टू फोर वीक्स एंड रेड उसे टर्न ऑफ करते रहते हैं कंटिन्यूसली आफ्टर एवरी सिक्स आवर्स सो दैट कंटेमिनेशन वॉज नॉट देयर एंड फिफ्थ एज ए लार्ज साइलो टैंक्स में हम उसे स्टोर करते हैं देन सेंट टू मिल देन हर्लिंग इज टू बी कैरीड आउट तो उस वजह से जो भी आउटर लेयर्स है वो वन स्टेप में रिमूव हो जाती है देन ग्रेडिंग हम करते हैं देन इस तरह से बैगिंग करते हैं uh, गनी बैगस वगैरह में इसकी बैगिंग होती है देन कॉफ़ी सोल्ड देन रोस्टिंग वॉज देयर एंड एट लास्ट दीज टाइप्स ऑफ पैकेट आर टू बी रेडी एंड आर कॉफ़ी इज रेडी टू सोल फॉर द Conclusion what is the conclusion of dry process? So इससे जो coffee obtain होती है वो heavy in body होती है जो weight होता है उसका heavy होता है, sweet होती है, smooth होती है। And the dry process is often used in countries where the rainfall is scarce and long periods of sunshine are available to dry the coffee properly. So जो dry process है वो इन countries में carried out होता है basically जहाँ पे sunshine बहुत अच्छी है ताकि वो अच्छे से under the sun dry हो सके तो वहाँ पे ज़्यादा ये ड्राई प्रोसेस कैरीड आउट होता है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच